इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हरदिल अजीज अनाउंसर अरुण पांडे जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और प्यार भरा नमस्कार आपको भी। और आज देखिए हमारे फोन की लाइन ठीक हो गई है, इसलिए हम आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और अपने जो तकनीकी हमारी टीम के लोग हैं उनको भी शुक्रिया कहें, क्योंकि इन दिनों फोन के लाइनों में जो बीप्स की आवाज आ रही थी, क्रैक्स आ रहे थे, वो बहुत मुश्किल से हम लोग ठीक कर पाए हैं। अब तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सर। जी अब बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा लगता है। तमाम टेक्नीशियन का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपना जी, आपका परिचय हुआ कि नहीं अभी, वही मैं पूछ रहा था। सर मैं मादीपुर कॉलोनी नई दिल्ली से सुनील रस्तोगी बोल रहा हूँ सर, आपका नियमित श्रोता। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, हालांकि आज थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम है, आवाज में असर है, लेकिन आपकी आवाज माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे हैं आप और दिल्ली के क्या हालचाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, दिल्ली भी ठीक ही है, गर्मी थोड़ी कम नहीं हुई अभी तक। जी जी, हमारे यहाँ तो पिछले 2-3 रोज से बादलों का डेरा है, बारिश उतनी नहीं हो रही है, लेकिन मौसम थोड़ा संभल गया है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा थी इस तरफ भी। हाँ सही बात। और क्या हो रहा है आपके दोस्तों मित्रों श्रोताओं का हालचाल? ठीक है। रेडियो के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ एक अरसे बाद, आप क्या कहेंगे? श्रोता सब सही है सर, और आपके प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया। और अब तो मैं अभी 2 दिन पहले ही आपका प्रोग्राम 2 महीने पहले के जो YouTube पे है ना वो सुन रहा था सर। क्या कहने, की आवाज के बारे में ही आपने बोला था। उससे बहुत परेशानी हो रही थी, और खासतौर से आजकल हो ये रहा है कि प्रोग्राम YouTube पे डाल दिए जाते हैं तो जो खराब गुणवत्ता है वो बहुत समय तक उस पर रहेगी, तो इसका दुख होता है। प्रोग्राम रहे तो अच्छे रहने चाहिए। क्लियरिटी थी बिल्कुल, YouTube पे मैंने ईयरफोन लगा के सुना, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही थी। हाँ बीच बीच में बीप जरूर बज रहा था। जी जी, तो अब वो नहीं बजेगा, वो हम लोगों ने ठीक करा लिया है। और आपके प्रोग्राम कौन कौन से अच्छे लगे आपको? इधर ऐप पे प्रोग्राम आप सुन पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे नए प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए हैं। हाँ सारे तो सर मैं नहीं सुन पाता हाँ ऐप पे, और अभी मुझे क्लियर पता भी नहीं है कि आपके नए प्रोग्राम कौन से हैं। ऐसे में जो वो आता है प्रोग्राम वो भी सही है, अच्छा। हाँ फरमाइशी कार्यक्रम बहुत ज्यादा हो गए, प्रतिदिन करीब 11:30 से 12:30 तक प्रतिदिन फरमाइशी कार्यक्रम है, वो चाहे फोन इन हो, व्हाट्सएप हो या फिर ईमेल पर आधारित हो। अच्छा 7 डे है। जी जी, और कई एक प्रोग्राम जैसे गुड मॉर्निंग बनारस है, कहकशा है, और इस तरह के कई प्रोग्राम हैं जो अलग अलग हमारे साथी उद्घोषक कर रहे हैं और बहुत परिश्रम से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कई प्रोग्राम यूट्यूब पे भी हैं, AIR वाराणसी चैनल पर, वो यूट्यूब पे तो मैं देख लिया करूंगा। जी, और अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाए इस कार्यक्रम में? फिल्म का नाम है सर माशूक, और गीत के बोले जीने ना देगी जुदाई, ये जुदाई हो यार जान पे मेरी बनाई। कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजें हैं, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई, जीने न देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई। सपने क्या प्यार न था तेरे बस में, प्यार भी छूटा यार भी छूटा, चाहत का इकरार भी छूटा। ओ यारा, ओ यारा, जाना था तो प्यार भी अपना ले जाते। काश किसी से प्यार न होता, खून के आंसू दिल न रोता। ओ यारा, ओ यारा, जीने न देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई। कैसी है तेरी बेवफाई, ओ यारा जान पे मेरी बन आई। ओ यारा, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत प्रोग्राम में आपका, नाम बताएं। सर ग्राम दरवेपुर पोस्ट ददरा जिला गाजीपुर से सुखल दर्जी बात कर रहा हूँ सर जी। कैसे हैं और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? सर मैं बहुत दिनों से बोले तो मैं 94 से तकरीबन
आकाशवाणी सुनते आ रहा हूँ। जी जी। और हेलो फोन फरमाइश तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं सुनते आ रहा हूँ। और इस बीच हमारे कई साथी प्रस्तोता आए और कई लोगों ने अवकाश ग्रहण कर लिया और कई लोग अब हमारे बीच नहीं है। कार्यक्रमों में क्या बदलाव, कैसी तरक्की या कमी आप देखते हैं? सर अभी जो थोड़ा कुछ बदलाव आया है अभी प्रोग्राम में, जी जी, तो थोड़ा समय का इधर उधर हुआ है इसलिए हम लोगों को थोड़ा परेशानी होती है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जब भी कोई नई चीज होती है ना तो थोड़ा उसके साथ एडजस्टमेंट करना होता है। हाँ, और बाकी फोन इन और खतों पर और इस तरह के कई कार्यक्रम हैं वो तो बढ़ गए हैं, अब श्रोताओं को कोई शिकायत नहीं है। एक एक घंटे के फरमाइशी कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं करीब। हाँ सर जी। और कामकाज आपने क्या बताया अपना? सर हम लेडीज टेलर हैं। जी जी। और गाजीपुर में किस जगह पे आप हैं? सर हमारे गांव का नाम है दरवेपुर। जी जी। और ये जैसे अपने घर में ही रहते हुए सीखा या फिर कहीं पे आपने ट्रेनिंग वगैरह ली खास तौर से इसके लिए? नहीं सर जी, एक्चुअली हम खानदानी दर्जी हैं सर जी। जी जी। आगे की जो पीढ़ी है वो भी इसी में लगी है, सीख रहे हैं आपके बच्चे? नहीं सर, हमारा एक बेटा है जो 16 साल का है और अभी पढ़ाई कर रहा है 10वीं में, और हम चाहते हैं कि नहीं हम उसे सिलाई नहीं, वो जहाँ तक पढ़ेगा जी जी हम पढ़ाएंगे और फिर सिलाई से कुछ हटके उसे जो करना चाहे वो करे। बहुत अच्छी सोच है आपकी और हम आपको बहुत शुभकामनाएं कहते हैं इसके लिए। और गीत आज कौन सा सुनेंगे आप प्रोग्राम में? सर हम गुलामी मूवी का एक गाना सुनना चाहते हैं। विहाल मस्ती मुकुंद रंजिश बहाल ही जरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बहुत बढ़िया ये गीत है और सुनवा रहे हैं आपको आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर। मुश्किल है जीना इसका जो हो तो हर दर्द एक हीरा
हर एक गम है नगीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जी हाल मस्ती मखौल रंजिश बहाले जरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो जी नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका, नाम बताइए। नमस्कार भैया। गढ़नोखा से? गढ़नोखा लालगंज बिहार से, राज किशोर चौहान उर्फ बड़क चौहान। हाँ पहले हम लोग सोचते थे खासतौर से मैं कि ये दो अलग अलग नाम है लेकिन आपके ही नाम है, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर के। अभी स्वस्थ प्रसन्न है आप? हाँ भैया, और रहना भी चाहिए, हमारी शुभकामनाएं हर एक के साथ हैं। और खेती बाड़ी में क्या हो रहा है, बारिश की क्या स्थिति? तो इस समय बारिश हो रहा है, तीन चार दिन से लगता है। जी जी।
यानी मौसम आपके यहाँ अच्छा है। बिहार में हमारे यहाँ भी कितनों भी सुखार हो जाएगा तो हमारा जिला रोहतास जो है सोन नदी के किनार ही पर है, पानी हमेशा मिलता रहता है, इसलिए सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नहर है। जी जी, और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? आपने एक बार कहा था कि प्रोग्राम आपका शामिल नहीं हुआ, वो सप्ते रविवार को आपका पहला कॉल था जिस कॉल के बारे में आपने कहा था पांडुरंग जी को। हाँ, नहीं शामिल हुआ था भैया मेरा। वो कार्यक्रम यूट्यूब पर भी है और संडे को जो प्रोग्राम है मेरे ख्याल से 4 तारीख को, उसमें पहला कॉल आपका ही है, इसलिए वो कॉल तो शामिल हुआ है। आपने सुना नहीं है लग रहा है। दोनों दिन सुने थे हम। तो हम तो कह रहे हैं कि अभी भी यूट्यूब पे 4 तारीख का प्रोग्राम है और उसमें आपका कॉल है। हाँ, तो पहला कॉल बीत गया होगा तब आपने सुनना शुरू किया होगा। और हमारे में तो बहुत ही मुश्किल से ऐसा हो सकता है कि अगर श्रोता से बात हो और हम उसे न सुनवाएं या न शामिल करें। उस रोज ऐसा हो रहा था कि उस रोज कितने आदमियों का कॉल कट जा रहा था। जी जी, लेकिन मेरा कॉल नहीं कटा था। हाँ, तो अभी भी आपको ये लगता है यकीन नहीं है कि 4 सितंबर के प्रोग्राम में आपका पहला कॉल है और वो यूट्यूब पे भी है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, तो आप जरूर उसको रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत चेक कीजिए आपका कॉल है उस पे, क्योंकि हम लोग अपनी ओर से पूरी ईमानदारी बरतते हैं। तो अगर शिकायत वाजिब हो तब तो ठीक है, उसे दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन श्रोताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। आप ही दोनों हैं भैया कि आप लोग को आने पर प्रोग्राम लेकर मैसेजों का बारिश हो जाता है, वाह आ जाती है। जी जी, हम तो बिल्कुल, हमारा ये रहता है कि रिकॉर्ड तो हम ये प्रयास ये करते हैं कि 100% शामिल हो जाए व्हाट्सएप वगैरह आपके सभी लोगों के, किसी का बचना नहीं चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं और कई बार ये होता है कि श्रोता इतना ज्यादा भेजते हैं, गीत के साथ भी पढ़ना होता है, लेकिन चूंकि परिश्रम करते हैं तो हम सोचते हैं किसी का नाम छूटे नहीं, इसी में संतोष रहता है। सभी नहीं आ रहा है इधर, नहीं एक हफ्ते तो मैच के कारण प्रोग्राम ही नहीं हुआ है, जब होगा तो जरूर आएगा। हाँ, अगला तो और कोई खास बात कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? हाँ, और सब प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, हम तो जानते हैं भैया कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम किसी जगत ही है। जी जी, हाँ तो आप उसे सुने और उससे लाभान्वित हो, हम सभी यही चाहते हैं। और यूट्यूब पे आप अपना कॉल सभी प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे इस समय तो नाटक बंद चल रहा है। जी जी, आप यूट्यूब पे 4 तारीख का चेक कर लीजिएगा प्रोग्राम, उसमें आपका कॉल है। आप बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं। वो नाटक सुने थे, बहुत अच्छा सा नाटक, वो दोबारा हम TKLD में लिखे थे सुनने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वो अलग 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 अनुभाग है जी, सूत्रधार तो है हमारे पास, और वो आप भी खुद ही आपने कहा था कि कुछ नाटक है जिन्हें हम बार बार सुनवाते हैं, तो सूत्रधार भी आपको जल्दी ही सुनने को मिल जाएगा। वो बहुत कम ही प्रचलित, एक बार हम बेलौर में थे तो सुने थे भैया, रिकॉर्ड भी किए हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो समाज को बदल देने वाला वो नाटक था, बहुत अच्छा नाटक था सूत्रधार। जी जी, और अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं प्रोग्राम में। भैया ठोकर फिल्म का एक गाना है जी, मुकेश की आवाज में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिले न सके, यही गीत है। साजन दहलवी का गीत है, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, संगीत है श्याम जी घनश्याम जी का। बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी, नमस्कार। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। इकरार की बातें कभी इनकार की बातें, एक दर्द सा छुपा है दिल के हाँ।
हसीन चालों में मैं ढूंढता हूँ दिन को रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं, दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में मैं ढूंढता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर हम नंदिनी तिवारी ग्राम मुइली जिला सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत है नंदिनी जी, कैसी हैं आप, क्या हालचाल है, और लग रहा है कि प्रोग्राम में पहली बार आपने फोन किया है। यस सर, हमने पहली बार किया है। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? हमने यूट्यूब पे ही तो बात की थी सर। जी, तो अच्छा लगता है। देखिए, सोशल मीडिया के भी अपने फायदे हैं। आपने यूट्यूब पे रابطہ कायम किया और आपको नंबर मिल गया और आज आप आकाशवाणी वाराणसी के प्रोग्राम से जुड़ गई हैं। और क्या करती हैं नंदिनी आप वहाँ पर? हम पढ़ाई करते हैं सर, अभी बीएससी सेकंड ईयर। जी, तब तो मन लगा के पढ़िए। बीएससी किस विषय से हो रहा है आपका? अभी बायो से है। जी जी, और आगे का क्या इरादा है? आगे डॉक्टर बनना है। जी जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जो डॉक्टरी का जो पेशा है वो वाकई मानवता की सेवा के लिए उसका पर्याय माना जाता है। और इस पढ़ाई के अलावा कभी खाली वक्त मिलता है तो क्या क्या हॉबीज हैं आपकी खाली वक्त में? क्रिकेट खेल लेते हैं, आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। जी, सागर है, छतरपुर है, हर जगह की। क्रिकेट खेल भी लेते हैं? अच्छा अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। यानी अपने तो टीम वगैरह है क्या कोई प्रॉपर आपके यहाँ? टीम ऐसी कोई नहीं है, बस भाई लोगों के साथ खेलते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, खेल कूद से एक तो आपस में सामंजस्य और मेलजोल भी बढ़ता है और अपने शरीर की मजबूती के लिए भी खेल कूद बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम इसके अलावा अच्छे लगते हैं या फिर सिर्फ हेलो फरमाइश ही सुनती हैं आप? अभी सर, अभी तो आकाशवाणी विविध भारती से जुड़े ही हैं। जी जी, और आप खूब पढ़े लिखे और आप डॉक्टर बने और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं नंदिनी आपके साथ। कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? अनाड़ी फिल्म का क्या मौसम आया है। और कभी गाती हैं कि नहीं आप? थोड़ा बहुत गा ले। तो अगर मन हो तो आप गा सकती हैं। ओके सर। वो खुदा करे के मोहब्बत में वो मुकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। गाती भी अच्छा है। और फिलहाल तो आपने फरमाइश की अनाड़ी फिल्म के गीत की, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजें हैं। ठीक, शुक्रिया, नमस्कार।
कांटों से हो जाए पाँव न घायल। कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है। मौसम आया है क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। खुशबू से महके है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम। है खटा दीवानी बूंदों में है छमछम। क्या मौसम आया है। डगर है गिरने का डर है थाम के तेरा हाथ चलूं। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं। चिकनी डगर है गिरने का डर है थाम के तेरा हाथ चलूं। धरती पे बिखरे हैं ओस के मोती। ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती। तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई। क्या मौसम आया है। क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। खुशबू से महकी है फूलों की गली। लहरों में है सरगम। है घटा दीवानी बूंदों में है छमछम। क्या मौसम आया है। क्या मौसम आया है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, मैं वीरेंद्र यादव ग्राम सरकारी पोस्ट असनाव बाजार जिला भदोही से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? भदोही तो कालीनों के लिए मशहूर है, लेकिन आप क्या करते हैं वहाँ पर? सर मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। जी, और हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, ये पढ़ाई लिखाई में कितने मददगार होते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रयास होता है कि खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसे ज्ञान विज्ञान भी मनोरंजन के साथ उसकी जानकारी भी मिलती रहे। नहीं सर, जब टाइम मिलता है तब सुनते हैं। जी जी, और पढ़ाई किस चीज की हो रही है आपकी अभी? सर आईटीआई। प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको जब वक्त मिलते हैं जो आप सुनते हैं तो? सर अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब तो AIR वाराणसी चैनल भी है जिस पर आपको हमारे प्रोग्राम प्रसारण के बाद कई कार्यक्रम, तमाम और सभी तो नहीं लेकिन कुछ एक कार्यक्रम आपको उस पर चैनल पर रहते हैं यूट्यूब पर। खास करके सर हेलो फोन एंड फरमाइश सुनते हैं। जी जी, तो बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। कौन सा गीत हम आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा दें? गाने का नाम है सर हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो। जी, ऐसे करके कुछ गाना है सर। मोहब्बतें फिल्म का गीत है। यस सर, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में है। बिल्कुल आपने सही कहा, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, जतिन ललित की तर्ज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर।
दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो दिल में कहीं तुम छुपा।
कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश सर। जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। सर आप कैसे हैं सर? हम तो अच्छे से हैं, क्योंकि हमारे श्रोताओं से ही हम सब का भी जो हम लोगों की अच्छाई है यानी अच्छा रहने की जो बात है वो श्रोताओं से है, और श्रोता अच्छे रहते हैं तो हम सभी भी अच्छे रहते हैं। जी सर। क्या नाम है आपका, कहाँ से बातें कर रहे हैं आप? जी हमारा नाम जितेंद्र पटेल है और हम मिश्रीपुर रोहनिया वाराणसी से बात कर रहे हैं। कैसे हैं और क्या करते हैं आप पटेल जी? जी हम कैंटीन में रहते हैं। जी जी, जी, जी स्कूल में। और जी जी ये बताएं प्रोग्राम कैसे लगते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम खास तौर से पसंद है आपको? ज्यादातर सर हमको हेलो फरमाइश और पिटारा जो देता था पहले। जी जी वो बहुत सारे प्रोग्राम है जो बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम में कई एक प्रोग्राम है जो अब डिसकंटिन्यू हो गए हैं, प्रसारित नहीं हो रहे हैं, तो उसका अफसोस हम सबको भी है। और कौन से गाने की फरमाइश है इस कार्यक्रम में आज? जी फूल और कांटे फिल्म का हमको गाना सुना है। जी इसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। क्या कह रहे हैं, पूरी लाइनें आपको याद हैं गीत की। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और बहुत शुक्रिया आपको कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार।
की हसी की चाहे इसके लहजों हंस के चुरा लो इसकी हसी इसे छू के मेरी सांसों में कोई आग दहकती है कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश सर नमस्कार नमस्ते जी अहमद नगर बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ बदरुद्दीन जी एक अरसे बाद आपसे बात हो रही है और आज अच्छी बात यह है कि आज बीप्स की आवाज नहीं है टेलीफोन लाइन ठीक हो गई है तो तकनीकी अनुभाग को हम लोग बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आज बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी कर रहा हूँ मजा आने नहीं आ रहा हाँ क्योंकि पिछले 6 महीने करीब हो गए और बहुत दिक्कत आ रही थी और वो प्रोग्राम चूंकि यूट्यूब पे भी रहते हैं सोशल मीडिया पे रहते हैं तो कार्यक्रम हमेशा के लिए खराब गुणवत्ता के वहाँ रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल अभी तो 2 हफ्ता पहले सुन रहे थे सर आप ही फोन कार्यक्रम आया तो उसमें कॉल खाली कट रहे थे जी जी बिल्कुल उस समय तो किसी से बात ही नहीं हो पा रही थी और हर 10-5 सेकंड में कॉल कट जा रही थी कैसे हैं अब तो मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है उम्मीद करते हैं एकदम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से हैं जी जी और बनारस में भी मौसम 2-3 रोज से संभला हुआ है नहीं तो उमस और गर्मी बहुत ज्यादा थी हाँ गर्मी तो है लेकिन बहुत ही आराम हो गया थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है हल्का फुल्का जी जी थोड़ी राहत और प्रोग्राम की स्थिति क्या है क्या कहेंगे आपके नजरिए से कार्यक्रम प्रोग्राम तो नजरिए से ये कहेंगे सर ठीक ही चल रहा है लेकिन देखिए इसमें आप लोगों की बस तो कोई चलता नहीं जी जी जैसा आगे से आदेश रहेगा उसी तरह आप उन्नत करोगे बिल्कुल बिल्कुल ये तो हम सब एक व्यवस्था है उसके अंग हैं और आज हैं कल नहीं भी रहेंगे ऐसा भी होता रहता है बिल्कुल बिल्कुल और ये प्रोग्राम तो सब ठीक ठाक चल रहे हैं जी और कौन से गाने की फरमाइश है आपकी आज सर मैं तो सोचा था कि फोन लगेगा नहीं लग गया तो मैं आपसे यह कहूंगा कि कोई लता जी की आवाज में कोई बेहतरीन सा गाना आप सुना दीजिए लक्ष्मी कांत प्यारे लाल कर्तव्य का हाँ कोई आएगा या फिर कोई आएगा, कोई आएगा आइए गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया नमस्कार जैसे
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222105। एसटीटी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसका प्रसारण हम शनिवार को करते हैं दिन में 11:30 से 12:30 और रविवार को 12 से 1 के बीच में। और इन दिनों चूंकि धारावाहिक स्वराज चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप शनिवार को प्रोग्राम दिन में 12 से 1 के बीच में ही सुन पाते हैं। और एक अच्छी बात ये हुई कि अब ये जो फ़ोन में बीप्स की आवाज़ आती थी और क्रैक्स आते थे, बहुत डिस्टर्बेंस होती थी उससे, वो हमारे तकनीकी अनुभाग ने उसे ठीक करा दिया है। इसके लिए हम उन सभी को शुक्रिया कह रहे हैं और टेलीफोन विभाग को भी शुक्रिया कह रहे हैं श्रोताओं की ओर से, क्योंकि गुणवत्ता अच्छी हो हम सबका ये हमेशा से प्रयास रहता है। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Keep it.